एक नया YouTube चैनल पर एक न्यू क्रिएटर्स ने इतना वीडियो अपलोड किया है, उसके बावजूद वीडियो पर व्यूज नहीं आ रहा है, तो क्या काम बाकी है। दोस्तों बहुत ऐसे काम होता है, YouTube पर छोटे छोटे सेटिंग्स होता है और एक सेटिंग्स की वजह से आपका वीडियो पर शायद व्यूज नहीं आ रहा है। दोस्तों जो बड़ा बड़ा यूट्यूबर है YouTube के रिलेटेड YouTube पर वीडियो अपलोड करता है, तो कुछ ऐसे यूट्यूबर है जिनका पास YouTube के रिलेटेड ज्ञान की भंडार है, लेकिन जो ज्ञान की बांडर है यह आपको फ्री में नहीं देना चाहते हैं। दोस्तों अगर आप YouTube चैनल ग्रो करना चाहते हैं तो कैसे ग्रो करना है, इसके लिए दोस्तों जो बड़ा बड़ा यूट्यूबर है उन्होंने कोर्स एक कोर्स बनाया है। अगर इस कोर्स आप ख़रीदना है तो आप ख़रीद सकते हैं और उसके बाद YouTube के रिलेटेड कैसे एक नया चैनल ग्रो करना है आप ग्रो कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप फर्स्ट टाइम YouTube पर आया है और आपका पास पैसा नहीं है तो आपका चैनल ग्रो कैसे करना है, तो दोस्तों आप लोग का साथ सिर्फ मैं हूँ, क्योंकि मेरे पास YouTube के रिलेटेड बहुत ऐसे ज्ञान है, लेकिन थोड़ा कमज़ोर हूँ मैं एक चीज़ में, क्योंकि मेरे पास हिंदी भाषा जो है इसमें थोड़ा कमज़ोर है, इसलिए थोड़ा बहुत अगर भाषा में गलती होता है तो आप एडजस्ट कर लेना है। दोस्तों मेरा और भी एक चैनल है जिस चैनल से मैं अच्छा खासा इनकम भी कर रहा हूँ, और उसके बाद जो दोस्तों मैंने ये चैनल ओपन किया है क्योंकि मैंने यूट्यूब पर देखा है कि एक नया चैनल ग्रो करने में लोगों को काफ़ी परेशान हो रहा है, और जो बड़ा बड़ा यूट्यूबर है यूट्यूब के रिलेटेड टिप्स देता है, ये लोग क्या करता है कि यूट्यूब के रिलेटेड टिप्स के लिए एक कोर्स बनाया है। अगर आपने YouTube वीडियो देखना है कैसे नया चैनल ग्रो करना है तो ये कोर्स आपको ख़रीदना होता है। तो दोस्तों जो YouTube पर लोग आते हैं YouTube चैनल बनाते हैं और YouTube से इनकम करना चाहते हैं, ये लोग सिर्फ गरीब लोग आते हैं। आप पहली बार आया है और आपका पास पैसा नहीं है, आप गरीब है, तो आप कैसे ये कोर्स खरीद सकते हैं और उसके बाद कैसे आपका चैनल ग्रो कर सकते हैं, इसलिए लोग ये कोर्स ख़रीद भी नहीं रहा है और चैनल भी साथ ही साथ ग्रो नहीं हो रहा है। सो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि एक मोबाइल फ़ोन से आप सही तरीके से कैसे YouTube पर वीडियो अपलोड करना है। दोस्तों अगर आपने सब कुछ सही कर लिया है और उसके बाद गलत तरीके से अगर आप वीडियो अपलोड करते हो तो आपका वीडियो पर बिल्कुल व्यूज़ नहीं आता है। इसलिए दोस्तों मैंने सोचा कि ज़्यादातर लोग मोबाइल से YouTube पर वीडियो अपलोड करते हैं और मोबाइल से कैसे सही तरीके से वीडियो लोग अपलोड कर सकते हैं, इसके लिए एक वीडियो बनाना बेहद ज़रूरी है। इसलिए दोस्तों मैंने आज ये वीडियो आप लोग के लिए खास करके लेकर आया है। सो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेरा एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, दोस्तों अगर आप एक नया चैनल ग्रो करना चाहते हैं और आप YouTube पर एक यूट्यूबर बनना चाहते हैं और YouTube से पैसा कमाना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि इस चैनल के ऊपर जेन्युइन कंटेंट अपलोड होता है। सो दोस्तों चलिए वीडियो कैसे अपलोड करना है चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि YouTube वीडियो अपलोड करने के लिए YouTube ऐप से वीडियो अपलोड करते हैं, और YouTube ऐप से अगर आप भी अपलोड किया होगा तो YouTube पर क्या होता है कि जितना सेटिंग्स है वीडियो अपलोड करने के साथ साथ जो सेटिंग करना होता है ये सेटिंग YouTube पर नहीं मिलता है। तो एक वीडियो अपलोड करने के लिए क्रोम ब्राउज़र के थ्रू अपलोड करना सबसे बेस्ट होता है, और क्रोम ब्राउज़र से अगर आप वीडियो अपलोड करते हैं तो साथ ही साथ जितना सेटिंग्स है आप सेटिंग साथ में कर सकते हैं, और अगर आपने पूरा सेटिंग कंप्लीट कर लिया है तो उसके बाद वीडियो पर व्यूज़ ज़्यादातर आते हैं। तो क्रोम ब्राउज़र से वीडियो कैसे अपलोड करना है, क्या क्या सेटिंग करना है, कैसे टैग सेट करना है, कैसे डिस्क्रिप्शन लिखना है, कैसे टाइटल लिखना है, इस वीडियो में कंप्लीट ट्यूटोरियल आपको देखने को मिल जाता है। इसलिए दोस्तों वीडियो बिना स्किप करते हुए पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद YouTube वीडियो अपलोड करने के लिए दूसरा कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले तो आप क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है, इसके बाद यहाँ पर सर्च करना है youtube.com। अगर YouTube लोगो पहले से यहाँ पर दिखाई देता है तो सिंपली इस पर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों यहाँ पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक काम करना है कि सिंपली 3 डॉट पर क्लिक करना है और डेस्कटॉप साइट जो है ऑन करना है। ऑन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर कंप्यूटर की मोड में ओपन होता है, तो यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा टाइम लेता है ओपन होने में। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा ओपन हो चुका है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर कॉर्नर पर YouTube का जो लोगो है लोगो के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद जैसे लोगो पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन डिस्प्ले होता है YouTube स्टूडियो। तो दोस्तों
क्या होता है कि YouTube स्टूडियो जो है इसके ऊपर उंगली से लॉन्ग प्रेस करके रखना है। जैसे लॉन्ग प्रेस करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन डिस्प्ले होता है ओपन इन न्यू टैब इन ग्रुप। तो दोस्तों ये ऑप्शन अगर आपका मोबाइल में डिस्प्ले नहीं होता है तो आपका जो क्रोम ब्राउज़र है क्रोम ब्राउज़र प्ले स्टोर जाके अपडेट करना है। उसके बाद दोस्तों ये ओपन इन न्यू टैब इन ग्रुप ये जो ऑप्शन है डिस्प्ले होता है। इसके बाद दोस्तों सिंपली इस पर एक बार क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे यहाँ पर देखिए YouTube का जो लोगो है यहाँ पर दो लोगो डिस्प्ले हो रहा है, तो जो सेकंड लोगो है इस पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा टाइम वेट करना होता है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए YouTube का जो डैशबोर्ड है ओपन हो चुका है और यहाँ पर दोस्तों देखिए एक ऑप्शन देखने को मिलता है जो अपलोड करने का जो ऑप्शन है। यहाँ पर देखिए मैंने ज़रा जूम किया है तो यहाँ पर जो ऑप्शन है यहाँ पर देखिए एक तीर की निशान है। सिंपली नीचे यहाँ पर देखिए अपलोड वीडियोस, तो सिंपली इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों यहाँ पर क्लिक करेंगे इस ऑप्शन पर तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिलेक्ट फाइल यहाँ पर दिखाई दे जा रहा है, तो सिंपली सिलेक्ट फाइल की ऑप्शन पर क्लिक करना है। दोस्तों जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए वीडियो अपलोड करने के लिए कहा जा रहा है, तो जहाँ पर आपका वीडियो रखा है जिस फाइल से इस फाइल से वीडियो अपलोड करना होता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए मैंने इस आइकन पर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर देखिए मैंने जितना वीडियो मतलब जो वीडियो मैंने बना के रखा है यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। तो मैंने यहाँ पर एक वीडियो अपलोड कर लेता हूँ वीडियोस, उसके बाद एक्सपोर्ट जो वीडियो मैंने एक्सपोर्ट कर रखा है और इसके बाद मैंने देखिए यहाँ पर अपलोड कर दिया है। तो जैसे दोस्तों वीडियो अपलोड करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों देखिए अपलोड होना शुरू हुआ है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर एक थंबनेल आपको सेट करना है। थंबनेल सेट करने के लिए दोस्तों यहाँ पर देखिए जो थंबनेल का ऑप्शन है यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है। दोस्तों थंबनेल के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको थंबनेल ही अपलोड करना है। तो चलिए मैं यहाँ से एक थंबनेल अपलोड कर लेता हूँ। जहाँ पर आपका थंबनेल रखा हुआ है यहाँ से एक थंबनेल अपलोड कर देना है, जो थंबनेल आपने अपलोड करना चाहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मेरा जो थंबनेल है मैं यहाँ से अपलोड करना चाहता हूँ, तो चलिए मैं यहाँ पर यह थंबनेल मैंने अपलोड कर दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक टाइटल लिखना है, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर टाइटल यहाँ पर लिख देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर एक टाइटल मैं लिख देता हूँ, जैसे कि मैंने ये पूरा बैक किया है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ YouTube वीडियो मोबाइल से सही तरीके से कैसे अपलोड कर रहा है। देखिए यहाँ पर मैंने मोबाइल से YouTube वीडियो सही तरीके से कैसे अपलोड करें। तो दोस्तों इस तरह यहाँ पर टाइटल लिखना है और टाइटल लिखने के बाद दोस्तों ये जो टाइटल आपने लिखा है ये टाइटल क्या करना है, सिंपली कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद दोस्तों यहाँ पर सिलेक्ट ऑल पर क्लिक करना है, इसके बाद कॉपी कर देना है। इसके बाद ये जो कॉपी आपने किया है यह डिस्क्रिप्शन पर आप मतलब पेस्ट कर देना है, यानी कि जो टाइटल आप लिखते हो वो भी डिस्क्रिप्शन पर भी लिखना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने एग्जांपल के तौर पर मैंने लिख दिया है। इसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है कि नीचे की तरह स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर दोस्तों एक ऑप्शन देखने को मिलता है, जैसे कि यहाँ पर देखिए प्लेलिस्ट, तो प्लेलिस्ट पर सिंपली क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए इस चैनल पर मैंने सिर्फ यूट्यूब रिलेटेड वीडियो अपलोड करता हूँ, इसलिए यहाँ पर देखिए यूट्यूब ट्यूटोरियल, तो ये सिंपली सिलेक्ट करना है। दोस्तों अगर आप प्लेलिस्ट क्या है और प्लेलिस्ट क्यों यहाँ पर लिखना होता है, प्लेलिस्ट क्यों बनाना होता है, इसलिए अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल पर एक यूट्यूब सेटिंग के लिए एक वीडियो अपलोड किया है, इस वीडियो आप देख सकते हैं। इसके बाद सिंपली डन ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो दोस्तों चलिए मैं यहाँ पर डन ऑप्शन पर क्लिक किया है। इसके बाद दोस्तों आना है नीचे। नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन देखने को मिलता है, येस इट इज़ मेड फॉर किड्स और नीचे देखिए नो इट इज़ नॉट मेड फॉर किड्स। तो या हमेशा यहाँ पर सेकंड जो ऑप्शन है नो इट इज़ नॉट मेड फॉर किड्स ये आपको रखना चाहिए। अगर दोस्तों आप येस इट इज़ मेड फॉर किड्स रखेंगे तो आपका वीडियो सिर्फ बच्चों के लिए होता है और इस वीडियो पर कोई भी कमेंट नहीं कर सकते हैं। अगर
आप सेकंड जो ऑप्शन है नो इट इज़ नॉट मेड फॉर किड्स रखते हैं, तो ये वीडियो आप कोई भी देख सकता है और साथ ही साथ कॉमेंट भी कर सकता है। इसके बाद दोस्तों नीचे यहाँ पर दिखे शो मोर, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। शो मोर ऑप्शन पर जैसे क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपको ये टैग सेट करने की जगह यहाँ पर दिखाई दिया जाता है। तो नीचे यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर देखिए टैग्स जो ऑप्शन है, यहाँ पर देखिए दो टैग ऑलरेडी यहाँ पर मैंने सेट किया हुआ है। अगर दोस्तों आप सेटिंग के बारे में वीडियो देखना है कैसे ये पहले से सेट करना है, तो आप इस वीडियो देख के आराम से सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इस वीडियो के हिसाब से आपको टैग यहाँ पर सेट करना होता है। तो दोस्तों आप मनमानी से कोई भी टैग यहाँ पर अगर सेट करोगे तो आपका वीडियो पर व्यूज़ नहीं आता है। इसलिए दोस्तों आप कैसे टैग यहाँ पर सेट करना है, दोस्तों टैग सेट करने के लिए जो टैग आप सेट करना चाहते हैं इस टैग की सार्स वॉल्यूम हाई होना चाहिए, कंपटीशन लो होना चाहिए और ओवरऑल जो है ग्रेट होना चाहिए या फेयर होना चाहिए। तो दोस्तों आप कैसे ये सार्स करके यहाँ पर टैग सेट कर सकते हैं, तो इसके लिए दोस्तों आपको आना है होम पेज पर और यहाँ पर दोस्तों एक एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना होता है जिसका नाम है ट्यूबडी। अगर ये एप्लीकेशन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिंपली ट्यूबडी ऑप्शन एप्लीकेशन ओपन करना है। जैसे ही ट्यूबडी पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह डिस्प्ले ओपन होता है ब्लैक कलर की। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं वाइट कलर हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये जो ट्यूबडी एप्लीकेशन है ये ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि ये काफ़ी इंटरनेट चाहता है। इसके बाद दोस्तों जो भी आपने आपके चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड कर रखा है यहाँ पर डिस्प्ले होता है, तो कोई भी एक वीडियो के ऊपर सिंपली क्लिक करना है। जैसे दोस्तों क्लिक करेंगे तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने जो पुराना जो वीडियो अपलोड कर रखा है यहाँ पर देखिए अपलोड हाई रिस थंबनेल, ये ग्रीन टिक है, एड टेक्स्ट टू योर टाइटल ग्रीन टिक है, जो भी आपका वीडियो पर आपने सही तरीके से अपलोड किया है वो यहाँ पर ग्रीन टिक शो होता है। नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन देखिए, ये जो ऑप्शन है सिंपली इस पर क्लिक करना है, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपने जितना टैग लगवाया है उस टैग पर अगर ये टैग रैंक किया है या नहीं किया है यहाँ पर आप पता कर सकते हैं। जिस टैग रैंक किया है यहाँ पर ग्रीन टिक यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो जैसे कि दोस्तों ये मेरा पुराना चैनल है और पुराना चैनल में मैं इतना टैग सर्च करके अभी भी सेट नहीं करता हूँ क्योंकि मेरा चैनल ऑलरेडी ग्रो है। तो एक टैग सर्च करके सेट करने के लिए नीचे यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है एक्सप्लोर, सिंपली एक्सप्लोर ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए टैग सर्च करने का जो जगह है यहाँ पर आ चुका है। ऊपर यहाँ पर देखिए टैग एक्सप्लोर जो रेड कलर है, ठीक नीचे यहाँ पर देखिए ब्लैक कलर की एक लाइन है, इस पर सिंपली क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका वीडियो के हिसाब से टैग यहाँ पर फाइंड करना होता है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हाउ टू गेट मोर सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब। इसके बाद सिंपली सर्च करना है। जैसे सर्च करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर देखिए इसके जो सार्स वॉल्यूम है कितना है और कंपटीशन कितना है और ओवरऑल क्या है यहाँ पर शो होता है। तो दोस्तों ये काफ़ी नेटवर्क चाहिए इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है। तो दोस्तों एक एक टैग यहाँ से सार्स करके और इसके बाद सिंपली कॉपी करना है ये टैग, और कॉपी करने के बाद दोस्तों जाना है क्रोम ब्राउज़र पर और क्रोम ब्राउज़र जाके दोस्तों ये टैग आपको फाइंड करना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सार्स वॉल्यूम जो है 100 है, कॉम्पिटिशन जो है देखिए बिल्कुल लो है 47 है और ओवरऑल जो है ग्रेट है। दोस्तों मैं एक सेकंड टैग यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ देखिए, और इसके बाद यहाँ पर मैं फिर से देखिए ये टैग मैं सर्च करता हूँ। तो जैसे कि दोस्तों ये टैग मैं सर्च कर रहा हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके सर्च वॉल्यूम कितना आने वाला है और कॉम्पिटिशन कितना है। यहाँ पर देखिए सार्स वॉल्यूम जो है 63 है और एवरेज जो है कंपटीशन जो है 66 है और ओवरऑल जो है फेयर है। तो यानी कि दोस्तों यहाँ पर ये जो टैग है लोग 63% सार्स कर रहे हैं और कंपटीशन जो है 66 है, यानी कि ये वीडियो यूट्यूब पर ज़्यादा है। अगर आपने ये टैग इस्तेमाल करते हैं यानी कि यूज़ करते हैं तो आपका वीडियो बिल्कुल सार्स में नहीं आता है क्योंकि इस टैग के ऊपर जो वीडियो अपलोड है ऑलरेडी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा है इसलिए आपका वीडियो रैंक में नहीं आता है। तो आपने वही टैग सिलेक्ट करना होता है जिस टैग पर जो कंपटीशन है ज़्यादातर लो है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो चलिए मैं पुराना जो टैग मैंने यहाँ पर टाइप किया है वही फिर से टाइप कर लेता हूँ हाउ टू गेट मोर
सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब। इसके बाद मैंने देखिए सर्च किया है, तो जैसे ही दोस्तों सर्च करेंगे तो कुछ इस प्रकार आपका सामने डिस्प्ले होता है और यहाँ से दोस्तों आपको रिचार्ज करना है कि किस टैग आपको लगवाना है। दोस्तों मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि वही टैग लगवाना है जिस टैग पर सर्च वॉल्यूम हाई है और कंपटीशन लो है और ओवरऑल जो है ग्रेट या पेयर्स होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर अगर ओवरऑल बैड होता है तो ये तो आप बिल्कुल नहीं लगाना है चाहिए, क्योंकि बैड तो आपको समझ में आ रहा है कि ख़राब है। यहाँ पर देखिए जो सर्च वॉल्यूम है वेरी हाई है और कंपटीशन जो है वेरी लो है और ओवरऑल जो है ग्रेट है। तो दोस्तों ये जो टैग है इस टैग के ऊपर लॉन्ग प्रेस करके रखना है और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए सिलेक्ट ऑल है, क्लिक करना है, इसके बाद कॉपी कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको होम बटन पर क्लिक करके आना है क्रोम ब्राउज़र पर और यहाँ पर दोस्तों जो टैग लिस्ट है इस पर लॉन्ग प्रेस करके रखना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं हाउ टू गेट मोर सब्सक्राइबर ऑन यूट्यूब। तो इस तरह दोस्तों एक एक टैग फाइंड करके यहाँ पर सेट करना है। तो दोस्तों मैं एग्जाम्पल के तौर पर एक ही टैग यहाँ पर पेस्ट करके दिखाया है, क्योंकि वीडियो जो है ज़्यादातर लंबा होने हो जाएगी, इसलिए दोस्तों एक एक टैग फाइंड करके यहाँ पर सेट करना है। आपका मनमानी आपका मर्जी से कोई भी टैग यहाँ पर सेट नहीं करना चाहिए और उसके बाद दोस्तों नीचे कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि नीचे कुछ सेटिंग्स है, सेटिंग्स के बारे में मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, अगर देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं और उसके बाद आप चैनल की जो सेटिंग्स है पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आना है डिस्क्रिप्शन पर। डिस्क्रिप्शन पर जैसे ही दोस्तों आएंगे तो यहाँ पर देखिए मैंने मतलब मेरा चैनल के बारे में कुछ लिखा है और जो मेरा फेसबुक लिंक है, ट्विटर लिंक है, इंस्टाग्राम लिंक है, मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। अगर आप सेट करना चाहते हैं तो सेटिंग के लिए वीडियो है, आप देख के आराम से सेट कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर डिस्क्रिप्शन पर इस वीडियो की मतलब इस वीडियो में क्या आपने बताया है इसके लिए दोस्तों यहाँ पर लिखना चाहिए। तो डिस्क्रिप्शन पर पूरा लिख देना है कि इस वीडियो में क्या है। दोस्तों मान के चलिए कि इस वीडियो में आपने जो भी बताया है, इस वीडियो जब लोग देखेंगे उसके बाद लोगों को समझ में आ जाएगा कि इस वीडियो के अंदर क्या है। बहुत ऐसे लोग होता है वीडियो क्लिक करने के बाद वीडियो नहीं देखता है, सबसे पहले डिस्क्रिप्शन फॉलो करता है। तो डिस्क्रिप्शन में अगर आप लिखते हो कि इस वीडियो में क्या क्या है तो उसके बाद लोग ये वीडियो फुल वॉच करता है। तो इसके लिए दोस्तों इस वीडियो के बारे में डिस्क्रिप्शन पर पूरा लिखना है। तो जैसे कि दोस्तों आप लिख दीजिए, इसके बाद दोस्तों करना क्या है कि यहाँ पर एक चीज़ लिखना है जैसे कि COVE कोबार टॉपिक, कोबार सिंपली कोबार टॉपिक लिखना है, TOPIC कोबार टॉपिक लिखना है। इसके बाद दोस्तों आपको जाना है कोई भी एक ब्राउज़र में, जैसे कि गूगल पर जाना है। तो चलिए होम बटन पर क्लिक करके जाना है, मैंने चलिए गूगल पर मैं चला गया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर लिखना है रैपिड टैग RAPID TAGS लिख के सर्च कर देना है। जैसे ही दोस्तों सर्च करेंगे तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए सर्चिंग हो रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए जो फर्स्ट लिंक है रैपिड टैग, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए फिर से लोडिंग ले रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम वेट करना है। तो चलिए वेट कर लेता है। तो यहाँ पर देखिए रैपिड टैग, यहाँ पर देखिए दोस्तों एक ऑप्शन है यूज टूल्स फॉर फ्री, ये जो रेड कलर है इस पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा टाइम फिर से वेट करना होता है। दोस्तों एक वीडियो अपलोड करने में काफ़ी समय लगता है और अगर आप काफ़ी समय लगाते हुए एक वीडियो अपलोड करते हैं तो आपका वीडियो पर ज़रूर व्यूज़ आएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए जो पेज है बिल्कुल ओपन हो चुका है। यहाँ पर दोस्तों देखिए एक ऑप्शन है एंटर योर नेक्स्ट यूट्यूब, तो सिंपली इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों उस वीडियो के हिसाब से उस वीडियो के रिलेटेड जो भी कीवर्ड यानी कि जो भी टैग्स आप लगाना चाहते हैं यहाँ से आप लगा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ हाउ टू गेट मोर सब्सक्राइबर ऑन यूट्यूब। देखिए यहाँ पर मैंने उसके बाद सर्च करना है। जैसे ही दोस्तों सर्च करेंगे तो यहाँ पर इसके रिलेटेड जितना टैग्स है यहाँ पर नीचे शो होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये जो टैग्स है यहाँ पर आप देख सकते हैं, नीचे यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है कॉपी, तो सिंपली कॉपी ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपको होम बटन पर क्लिक करके जाना है क्रोम ब्राउज़र पर और यहाँ पर देखिए दोस्तों जो कोबार टॉपिक है ठीक नीचे यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करना है और उसके बाद दोस्तों पेस्ट कर देना है। जैसे ही दोस्तों पेस्ट करेंगे तो यहाँ पर देखिए जो आपने जितना मतलब टैग कॉपी किया है यहाँ पर आ चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर और एक काम बाकी है, जो कि यहाँ पर देखिए एक टैग के लास्ट में देखिए एक कॉमा होता है, तो ये कॉमा यहाँ पर क्लिक करके
कोमा जो है हटा देना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर मतलब बैक करके हटा दिया है, उसके बाद दोबारा स्पेस देना है। तो इस तरह दोस्तों जितना कोमा है यहाँ से हटा देना है, वरना आपके जो वीडियो है वीडियो पर स्ट्राइक भी आ सकता है। इसलिए दोस्तों यानी कि मेटाडाटा जो मिसलीड होता है इसी की वजह से होता है। तो चलिए दोस्तों मान के चलिए ये कम्प्लीट हो चुका है और जो मतलब कोमा है ये आपको हटाना है। इसके बाद दोस्तों नीचे आना है। नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पर 3 हैशटैग लगवाना है, 3, उससे ज़्यादा नहीं लगवाना है, वरना आपका जो वीडियो है रैंक नहीं करता है। तो यहाँ पर दोस्तों एक टैग लगाना है, आपका जो चैनल नेम है चैनल नेम डाल देना है, जैसे कि मैं यहाँ पर हैश यहाँ पर देखिए टाइप किया है। इसके बाद देखिए मेरा चैनल नाम फिल कर देता हूँ, शाहिद BHAI यहाँ पर देखिए मैंने टाइप किया है। इसके बाद दोस्तों नीचे यहाँ पर जो वीडियो अपलोड किया है आपने उस टॉपिक के हिसाब से 2 यहाँ पर टैग हैशटैग बनाना है, जैसे कि यहाँ पर हैशटैग हैश फिल करना है। इसके बाद लिखना है हाउ टू गेट मोर सब्सक्राइबर ऑन यूट्यूब। इस तरह 2 यहाँ पर टैग मतलब जिस टॉपिक से आप वीडियो अपलोड करना है उसी के हिसाब से यहाँ पर 2 हैशटैग फिल करना है। और इसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, नीचे यहाँ पर आप मेंशन भी कर सकते हैं, जैसे कि दोस्तों अगर मान के चलिए कि बहुत बड़ा बड़ा यूट्यूबर होते हैं, अगर बड़ा बड़ा यूट्यूबर के नीचे आपका वीडियो मतलब सजेशन करना है तो यहाँ पर आप मतलब मेंशन भी कर सकते हैं। मेंशन कैसे करना है दोस्तों, यहाँ पर सिंपली आपको टाइप करना है @। इसके बाद दोस्तों जिस जो बड़ा यूट्यूबर है जिस यूट्यूबर के नीचे आपका वीडियो शो करना चाहते हैं इस चैनल यहाँ पर मतलब टाइप कर देना है, जैसे कि टेक्निकल योगी, तो यहाँ पर लिख देना है टेक्निकल योगी। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टेक्निकल योगी, तो यहाँ पर क्लिक कर जैसे यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर नेटवर्क ज़रा सा स्लो है, तो @ टेक्निकल योगी जैसे ही लिखेंगे उसके बाद टेक्निकल के जो टेक्निकल योगी का जो चैनल है ऑटोमेटिकली यहाँ पर डिस्प्ले होता है और सिंपली क्लिक करना है। तो दोस्तों इस तरह क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों ये कम्प्लीट मान के चलिए ये कम्प्लीट हो चुका है। इसके बाद दोस्तों आना है नीचे। नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 2 ऑप्शन है, जैसे कि एंड स्क्रीन पर आप और भी पुराना वीडियो लगा सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ऐसे वीडियो मिलता है कि वीडियो देखने के बाद जो लास्ट में एक वीडियो यहाँ पर ऑटोमेटिकली शो होता है, तो इसी की वजह से शो होता है। और यहाँ पर देखिए ऐड कार्ड पर आप क्लिक करके यहाँ पर ऐड पर क्लिक करके आप और भी वीडियो लगा सकते हैं। दोस्तों इसमें वीडियो लगाने का मतलब यह होता है कि बहुत ऐसे लोग आप देखते होंगे कि कहता है कि आई बटन पर वीडियो मिल जाएगा, तो आई बटन इसको कहता है कि यहाँ पर जो वीडियो आप सेट करेंगे इसको आप कह सकते हैं आई बटन। तो यहाँ पर देखिए सार्स हो रहा है क्योंकि मेरा यहाँ पर नेटवर्क ज़्यादा स्लो है, तो यहाँ पर पुराना जो वीडियो है यहाँ पर ऑटोमेटिकली शो होता है और जो वीडियो आप मतलब ऐड कार्ड पर लगाना चाहते हैं वही वीडियो यहाँ पर सिलेक्ट करके यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन आप देख सकते हैं कि सेव है, जो सेव वो ग्रीन होता है और ऐसे आप सेव भी कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए मैं यहाँ पर डिस्कार्ड कर लेता हूँ क्योंकि मैं ये डेमो के हिसाब से एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। इसके बाद दोस्तों फिर से नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों फिर से नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए ढेर सारा ऑप्शन दिया गया है, जैसे कि प्राइवेट, अनलिस्टेड, पब्लिक और शेड्यूल। तो दोस्तों यहाँ पर आप शेड्यूल भी कर सकते हैं और ज़्यादातर लोग अनलिस्टेड में रखते हैं, जब वीडियो कंप्लीट अपलोड होता है उसके बाद पब्लिश करते हैं। अगर दोस्तों आपने पहले पब्लिक पर क्लिक किया है और आपका वीडियो पर कम्युनिटी स्ट्राइक या कॉपीराइट क्लेम आ गया तो ये वीडियो आपको डिलीट करना होता है। अगर दोस्तों आपने अनलिस्टेड पर रखते हैं और आपका वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम आता है तो ये वीडियो आप डिलीट करके फिर एडिट करके आप ये वीडियो अपलोड कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों अनलिस्टेड पर रखना है। और जब वीडियो पूरा कंप्लीट होता है उसके बाद यहाँ पर दिखाई देता है कि आपका जो वीडियो है नो इश्यूज़ फाउंड यहाँ पर दिखाई देता है। उसके बाद दोस्तों आप पब्लिक पर क्लिक करके आप पब्लिश भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो एक लाइक करना है, चैनल में नया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो इतना ही है।